कौम को राह दिखाने वाले लीडर्स कहलाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। हमारे पास अगर 100 रुपए हैं खर्च करने के लिए, तो हमें ये सोचते हुए खर्च करना होगा कि आज मैं किस तरीके से खर्च करूंगा, 10 साल बाद काम आए। और उसके लिए आपको अपने नॉन डेवलपमेंटल अखराजात कम करने होंगे, डेवलपमेंटल अखराजात पे तवज्जो देनी होगी। और जिस तरह कहा जाता है कि पैनी सेव्ड इज पैनी अर्न्ड, कि जो आपने बचाया है वही आपने कमाया है दरअसल, तो उस पर गौर करना होगा। बैरूनी इनसार कम से कम करना होगा, और अगर करना होगा तो ये फैसला करना होगा कि आपको जो बाहर से जो मदद मिल रही है वो किन टर्म्स में मिल रही है, किन मुल्कों से मिल रही है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी हो सकती है नहीं हो सकती। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि पॉलिसी लेवल पे एक बार डिसाइड हो जानी चाहिए। हम रोज के रोज अपनी पॉलिसीज को तब्दील करते हैं, हवा का रुख देखकर हमारी पॉलिसी तब्दील होती है। जिंदा कौमों की पॉलिसी जो है वो हवा का रुख देख के नहीं तब्दील होती। अगर वाकई आवाम को इन्वॉल्व किया जाए, पावर को डिवॉल्व किया जाए, तो ये सारी चीजें मिनासुल कौम आवाम में राय बनाकर की जा सकती हैं। और ब्लैक मनी को व्हाइट करना इज नॉट द सॉल्यूशन। जिन लोगों के पास इतना पैसा होगा कि वो ब्लैक को व्हाइट करना के सोचते होंगे, वो सोचते होंगे, मगर फैसले वो होने चाहिए कि मिनासुल कौम हमें क्या नुकसान हो रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। और इस पर पॉलिसीज बनने की जरूरत शदीद तरीन है।